मैं आपका दोस्त आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इस शुभ मुहूर्त में करेंगे दिवाली की पूजा तो बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा, लेकिन दोस्तों उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक कर लें बेल आइकन पर, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। घरों में दीप प्रज्वलित कर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और घर की सुख समृद्धि व धनार्जित करने की मनोकामना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या नगरी लौटे थे। उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को सजाया था और दीप प्रज्वलित करके उनके वापस आने की खुशी मनाई थी। ऐसा भी कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। दिवाली सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं होता है, दिवाली के पहले और बाद भी कई पर्व मनाए जाते हैं जिनका अपना धार्मिक महत्व है। धनतेरस, दिवाली के दो दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग बाजार से कुछ ना कुछ नई वस्तु खरीद कर घर लाते हैं। भगवान गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्ति खरीदी जाती है, साथ ही घर में सोने चांदी या स्टील जिसमें आप सामर्थ्य हो इन तीनों धातुओं में से किसी एक धातु की वस्तु खरीदते हैं। छोटी दिवाली धनतेरस के एक दिन बाद होती है। छोटी दिवाली इस दिन घर में दीपक जलाकर उजाला किया जाता है और किसी भी कोने को अंधेरे में नहीं रखा जाता है। बड़ी दिवाली इस दिन घर में सभी नए कपड़े पहनकर गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। घर में कई प्रकार के पकवान बनते हैं और पटाखे छुड़ाए जाते हैं। गोवर्धन पूजा बड़ी दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा भाई दूज गोवर्धन पूजा के अगले दिन होता है। भाई दूज इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं। दिवाली पूजा शुभ मुहूर्त दिवाली के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा तो की जाती है, लेकिन इनकी पूजा के लिए एक बात जो ध्यान में रखने वाली होती है वो होता है पूजा का शुभ मुहूर्त। ऐसा माना जाता है इस दिन विधिवत तरीके से और शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी जी और गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती और घर में लक्ष्मी का वास रहता है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स अर्थात विवरण बॉक्स में दिया है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी रोचक बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।